नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज पढ़ रहे हैं हम कक्षा 8 की प्रश्नमाला 12 और वह गुणनखंड। अब सबसे पहले पहली भाषा मेन यही आती है, गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणन यानी क्या होता है? गुणा किया हुआ, और खंड यानी टुकड़े। कोई संख्याओं को टुकड़े करके गुणा रूप में लिखा गया है वो क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। इस प्रकार मैंने लिख दिया 15 3 × 5, ठीक है। अब इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? 15 के 15 गुणनखंड हो सकते हैं। देखो 15 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 1 × 15 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और 3 × 5 भी लिख सकते हैं। तो गुणनखंड क्या क्या होंगे? देखो इसका गुणनखंड 3 भी हो सकता है, 5 भी होगा, 1 भी होगा और 15 होगा। इस प्रकार ये सारे गुणनखंड है। संख्याओं को हम गुणा रूप में लिखा, टुकड़े करके लिखा गया है, और वो सारी संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? ये गुणनखंड कहलाएगी। इनमें ये देखो 3 और 5, ये दोनों क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड है, यानी ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार ले लिया 21 ले लिया, 21 को लिख दिया हमने 3 × 7 लिख दिया, 21 को हमने 21 × 1 लिख दिया। अब इसके गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 3 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 21 हो गया। इन गुणा रूप में टुकड़े करके लिखा गया है ये गुणनखंड है। तो गुणनखंड 3 हो गया, 7, 21 और 1। तो ये अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 और इसके 7 दोनों अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं। जिस प्रकार लिख दिया हमने 45 लिख दिया, इसको लिख देंगे हम 3 × 5, और क्या लिख सकते हैं? इसको 45 × 1 भी लिख सकते हैं, और इसको 9 × 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको 15 × 3 भी लिख सकते हैं। तो गुणनखंड, इसका गुणनखंड देखो 3 है, 45 है, 1 है, 9 है और 5 है, 15, ये सारे इसके गुणनखंड है। और इनमें से अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा? देखो अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 है। इस प्रकार हम कोई संख्याओं को गुणा रूप में टुकड़े करके लिखा हुआ है वो उसका गुणनखंड कहलाता है। अब संख्याएं, ये देखो प्राकृत संख्या भी हो सकती है, बीजीय संख्या भी हो सकती है। जिस प्रकार लिख दिया 5xy, इसका हो जाएगा 5 × x × y, ये तीनों क्या हो गए? इसके गुणनखंड हो गए। इस प्रकार हम कर सकते हैं। जिस प्रकार लिख दिया 4x² y हो गया, तो 4 का अब 4 को लिखेंगे हम 2 × 2 और x 2 बार है, x × x और आगे y लिख दिया। इस प्रकार क्या कर सकते हैं संख्याओं, x को 2 बार रख दिया और y को, ये क्या लिख दिया हमने? इसके गुणनखंड रूप में लिख दिया। अब आगे आता है देखो सर्व गुणनखंड क्या होता है। सर्व सबसे पहले ये गुणनखंड है, ये प्राकृत संख्याओं गुणनखंड है और ये बीजीय संख्याओं के गुणनखंड है। उसके बाद में आता है एक सर्व गुणनखंड। सर्व यानी क्या होता है? दोनों में सभी में जो मिला है, मिलता जुलता है वो क्या हो? दोनों का सर्व गुणनखंड होता है। इस प्रकार यहाँ लिख दिया हमने 4x + 2 लिख दिया। अब इन दोनों में क्या है जो सभी में है वो क्या हो जाएगा? इनका सर्व गुणनखंड हो जाएगा। अब इसको क्या लिख देंगे हम? 4 को लिख देंगे 2 × 2 × x और आगे लिख 2 + 2। अब देखो यहाँ पर दो पद है, एक ये पद पहला है और ये दूसरा पद है। इन दोनों पदों में दोनों में है, 2 को बाहर रख दिया, शेष क्या बचेगा? देखो शेष 2 को बाहर, यहाँ बचेगा देखो 2 और x बच गया है और यहाँ आगे +1 बच गया है। तो इन दोनों का सर्व गुणनखंड क्या है? देखो 2 है। इस प्रकार हम सर्व गुणनखंड जो दोनों में है उसको बाहर रख दो, वही हो जाएगा उसका सर्व गुणनखंड हो जाएगा। इस प्रकार प्राकृत संख्याओं गुणनखंड, बीजीय संख्याओं गुणनखंड और सर्व गुणनखंड। इसके बाद में इस प्रश्नमाला में 4 सूत्र भी काम आएंगे, वो सूत्र देखते हैं। देखो तो सबसे पहले है a + b² इसका होता है a² + 2ab + b², ये पहला सूत्र गुणनखंड में काम आएगा। देखो दूसरा सूत्र a - b² = a² - 2ab + b², ये सूत्र भी काम आएगा। तीन नंबर सूत्र आगे a² - b² तो हो जाएगा a - b a + b, ठीक है। चार नंबर सूत्र इसका x + a और x + b तो हो जाएगा इसका x² + a + b x और आगे ab। ये चार सूत्र इस प्रश्नमाला में हमारे काम आए। इन चार सूत्रों को याद रखना है। a + b² आया हुआ है तो a² रख देंगे, b² रख देंगे और बीच में 2ab रख देंगे। a - b² आया हुआ है, a² रख देंगे, +b² रख देंगे, -2ab।
अगर ये प्लस है तो प्लस टू ए बी आएगा, माइनस है तो माइनस टू ए बी आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी दोनों का अगर अलग अलग स्क्वायर दिया गया है तो एक बार माइनस में रख दो एक बार प्लस में रख दो। ऐसा दिया गया एक्स प्लस है एक्स प्लस बी दिया गया तो इस प्रकार रख दो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुणा में एक्स और आगे प्लस ए बी। इस प्रकार इस प्रश्नमाला में केवल चार सूत्र आपके काम आएंगे, ठीक है। और अब आगे हम शुरू कर रहे हैं, देखो प्रश्नमाला 14.1 नई एनसीईआरटी में 12.1 है, ठीक है। पहला प्रश्न ये दिया गया है, निम्नलिखित पदों के सार्वे खंड का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। 12x और 36 दोनों क्या निकालना हमें, सार्वे गुणनखंड निकालना, ये है पहले का पहला। कैसे करेंगे देखो, पहले गुणनखंड रूप में लिख दो पहले दोनों को, दोनों को गुणनखंड के रूप में रख दो पहले तो देखो 12x का हो जाएगा, देखो आपको इनका अलग से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना। देखो 12 का 12 में 2 का भाग 6 बार जाएगा, 2 का भाग 3 बार जाएगा, 3 का भाग 1 बार जाएगा, यानी 2 × 2 × 3 और आगे एक्स है एक्स रख दो। 36 का हो जाएगा, 36 में देखो 36 का निकालेंगे, 36 में देखो 2 का भाग 18 बार जाएगा, 2 का भाग 9 बार जाएगा, 3 का भाग 3 बार जाएगा और 3 का भाग 1 बार जाएगा। सबसे पहले क्या देते हैं, इन 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग नहीं जाता 3 का भाग देते हैं, 3 का नहीं जाता 5 का देंगे, 5 का आगे बाद में 7 का देंगे, 7 के बाद में 11 का। ये सारी अभाज्य संख्याओं का भाग, क्यों इसका नाम ही क्या है अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य को नाम है तो क्या करते हैं इसमें केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग दिया जाता है। 36 का देखो हो गया 2 × 2 × 3 × 3, अब लिख दो आगे 12x हुए 36 के सार्वे गुणनखंड, सार्वे गुणनखंड बराबर सार्वे यानी सभी में, तो सभी में है। अब यहां देखते हैं, देखो ये देखो दो दोनों में आया हुआ है, दो दोनों में आया हुआ है, एक तो हो जाएगा 2 × 2, एक देखो ये 3 भी देखो दोनों में आया हुआ है, एक हो जाएगा 3, बाकी देखो x 3 इसमें 2 बार, इसमें 1 बार आया हुआ है ना तो 1 बार और रख दिया, 1 बार नहीं रखना है। x इसमें इस नीचे वाले में x नहीं है ना तो x को भी नहीं रखेंगे, जो दोनों में है वो क्या लिखेंगे सार्वे गुणनखंड रूप में लिखेंगे। तो ये उत्तर क्या आ जाएगा, देखो ये गुणा कर लो, ये उत्तर आ जाएगा 12। इसका अर्थ क्या है, 12x और 36 का सार्वे गुणनखंड क्या होगा 12 होगा। ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। दूसरा देर का 2y और 22xy, दूसरा दे रखा है 2y और 22xy, ठीक है। तीसरा क्या दे रखा है आगे 2x 3x² और 4, ये दे रखा है। उसके बाद में चार नंबर में दे रखा है, ये चार नंबर है, देखो ये चार नंबर है, ठीक है। और तीन नंबर क्या दिया गया है, तीन नंबर यहां कर लेते हैं, देखो तीन नंबर में दिया गया है 14 PQ 28 P² और Q² ये देखो दूसरा यहाँ लिखा है या तीसरा है और यहाँ चौथा है। इन तीनों क्या निकालने हैं हमें, सार्वे गुणनखंड निकालने हैं। तो पहले क्या रख दो आप, 2y का निकाल दो गुणनखंड कर लो, तो इसका हो जाएगा 2 × y। सबसे पहले आप गुणनखंड आना चाहिए, गुणनखंड आ रहा है तो क्या कर लेंगे इसका सार्वे गुणनखंड भी लिख देंगे। 22xy है तो देखो 22xy क्या हो जाएगा, 22 के हम क्या निकालेंगे दोनों के, 22 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। देखो 22 में 2 का भाग देंगे 11 बार जाएगा, 11 में 11 का ही जाएगा एक बार, तो 22 के गुणनखंड क्या हो गए 2 × 11। आगे x है x रख दो, y है y रख दो, आगे यहाँ रख दो 2y हुए 22xy के सार्वे गुणनखंड। अब दोनों में जो सही चाहिए, दोनों में गुणनखंड है वो लिख देंगे। दो देखो दोनों में आया हुआ है, एक एक बार है रख दिया 2, 11 इसमें नहीं है नहीं लिखेंगे, x नीचे वाले में ऊपर वाला नहीं है नहीं लिखेंगे, y देखो दोनों में आया हुआ है तो हो गया 2 × y, सार्वे गुणनखंड क्या हो गया इनका 2 × y और 2y हो गया। आगे देखो ये दिया गया है चार नंबर दिया गया 2x है, इसको रख देंगे 2 × x कर देंगे, 3x² है तो इसको रख दो आप 3 × x × x, 2 बार है तो आप क्या कर दो x को 2 बार रख दो। आगे 4 है तो 4 का क्या निकालेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, वो क्या आएगा देखो 2 × 2 आएगा। अब आगे लिख दो यहाँ 2x और 3x² और 4 का सार्वे गुणनखंड, सार्वे गुणनखंड। ये देखो यहां तक सवाल नंबर
दूसरा कर लिया, बाकी यहाँ चार नंबर कर रहे हैं। देखो तो सारे गुणनखंड क्या होगा इसका, देखो जो देखो तीनों में संख्या आई हुई है वही हमें संख्या लेनी है। देखो क्यों, यहाँ तीन तीन संख्या दी गई है, 2x 3x² और आगे 4। अब इन दोनों में तीनों में देखते हैं, देखो तीनों में देखते हैं, दो देखो इस एक में आया हुआ है, इसमें नहीं आया हुआ है, इसमें भी नहीं है, दो को नहीं लिखेंगे। एक्स देखो इसमें आया हुआ है, इसमें दो बार है, इसमें है ही नहीं, दो दो को भी नहीं लिखेंगे, एक्स को भी नहीं लिखेंगे। तीन देखो इसमें एक में बाकी दो में नहीं है, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इस तीनों में आई हुई है, कोई संख्या नहीं है ना, तो क्या लिख देंगे हम, एक लिख देंगे। तो सारा गुणनखंड बराबर क्या आ जाएगा इसका, एक लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार कर लेंगे। देखो 14 PQ है तो लिख देंगे 14 PQ बराबर 14 का हम क्या निकालेंगे, देखो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 14 के, वो आएगा 2 × 7 रखता है, कर सकते हैं देखो 14 के अभाज्य गुणनखंड, ये 7 बार और 7 का 1 बार, 14 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 7 × P × Q। 28 क्या हो जाएंगे, देखो 28 का कर लेंगे, 28 का देखो यहाँ 28 लिखा तो यहाँ 2 का भाग दे दो, अब आगे सेम ही है, देखो 28 में 2 का भाग 14 बार, 14 में 2 का भाग 7 बार और 7 का भाग 7 में 7 का भाग 1 बार, इसका हो जाएगा 2 × 7 × P, देखो 2 बार आया हुआ है और क्यू कितनी बार है, 2 बार, यानी 14 PQ 28P² Q² का सार्वे गुणनखंड, सार्वे गुणनखंड तो दोनों में आया हुआ है। देखते हैं दोनों में क्या आया, देखो दो देखो दोनों में आया हुआ है, आया हुआ है, यहां रख देंगे 28P² Q² बराबर, दो देखो दोनों में आया हुआ है, दो को रख देंगे, ये 7 देखो 7 भी दोनों में आया हुआ है, 7 को भी रख देंगे, दो देखो नीचे वाले में है 2 बार लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, ठीक है, तो 2 एक एक बार आएगा दोनों में। उसके बाद में पी देखते हैं, देखो पी ऊपर वाले में है और पी नीचे वाले में, पी देखो दो और पी देखो, अब इसमें नीचे वाले में ऊपर वाले में नहीं बचा, एक ही साथ लिख दिया हमने, और क्यू देखो इसमें दोनों में है, क्यू क्यू है तो यहाँ क्यू लिख दो, और ऊपर भी क्यू, नीचे भी क्यू है, ऊपर क्यू नहीं है, क्यू को अगर नहीं लिखेंगे। तो इनमें दोनों में जो गुणनखंड मिलता था वो क्या था, देखो मिल रहा था वो एक दो दो दोनों मिल रहा था, दोनों में 7 7 मिल रहा था, पी पी मिल रहा था और क्यू क्यू मिल रहा था, यह आ जाएगा बराबर में 14 PQ, यही क्या देखो इसका गुणनखंड हमने कर लिया है। इस प्रकार हमने 4 प्रश्न कंप्लीट किए हैं, आगे सवाल नंबर करें इसका 5 मिनट। पांच में दिया गया है 16x³ 3, 16x³ 3 -4x² 5वीं संख्या, 5वीं संख्या अलग है, ये दी गई है 6ABC, 6ABC, आगे दिया है 24AB² 24AB² और आगे दिया गया 24 12A² भी दिया गया, 12A² B, करने का तरीका वही है, संख्या 3 दी गई है जो आप तीनों में से कर लो। यहाँ देखो 6ABC है तो 6 के क्या निकालेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, पहले 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 का भाग 1 बार जाएगा, इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 2 × 3, ए को 1 बार रख दो, बी को 1 बार रख दो, सी को 1 बार रख दो, हो गया 6A × B × C हो गया। अब आगे लिखते हैं 24AB² 24 का देखो अभाज्य गुणनखंड निकालना आना चाहिए आपको, केवल अभाज्य संख्याओं को भाग देते हैं, 2 का भाग 12 बार जाएगा, 2 का भाग 6 बार जाएगा, 2 का भाग 3 बार जाएगा, 3 का भाग 1 बार जाएगा। तो देखो 24 का देखो 2 × 2 × 3 हो गया, यहाँ देखो ए 1 बार है रख दिया, बी 2 बार है 2 बार रख दिया, अब आगे 12A² B है, 12² का भी यहाँ देखो यहाँ से चेक कर लो, 12 में 2 का भाग 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, 12 का देखो हो जाएगा 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, ए ये 2 बार है और बी कितनी बार है, 1 बार, अब यहाँ रख दो 6ABC, ठीक है 24AB² और 12A² B का सार्वे गुणनखंड है, सार्वे गुणनखंड जो संख्या तीनों में आई हुई है। देखते हैं देखो इन तीनों संख्याओं में, दो देखो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, दो को रख दिया, अब देखो दो इसमें 2 बार है, इसमें है लेकिन ऊपर वाला नहीं है, दो एक एक बार तारीख दिया, 3 चेहरा देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है तो 3 को रख दिया, ए देखो तीनों में आया हुआ है, ए को रख दिया, अब बाकी देखो तीनों में 1 बार आया हुआ है कॉमन, यानी मिलता हुआ तीनों में कॉमन, यानी मिलता तीनों कॉमन 1 बार ही, देखो
इसलिए एक बार रख देंगे। बी भी देखो तीनों में एक बार आया हुआ है, तीनों में मिलता हुआ एक बार आया हुआ है, और सी भी देखो सी अब क्या है देखो इसमें है और बाकी इसमें दो में नहीं है, क्या हो जाएगा देखो छः ए बी यहाँ लिख देंगे हम, छः बी लिख देंगे। देखो ये क्या देखो इसका दो इंटू तीन इंटू ए इंटू बी बराबर में आ गया छः ए बी, ये क्या देखो इसका आंसर है। यानी आप क्या करना है गुणनखंड करके जो तीनों हमें आया हुआ है कॉमन होना चाहिए, तीनों मिलता होना चाहिए, तो वो क्या लिख देंगे सार्विक गुणनखंड लिख देंगे। अभी इसका है सवाल नंबर छः, में लिखा गया है 16x3 पहले का छह नंबर 16x3 -4x2 और आगे 32x दिया है, तीन संख्या दी गई 16x3 -4x2 और 32x। 16x3 हम क्या निकालेंगे देखो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 16 का हो जाएगा देखो 2 × 2 × 2 × 2 × x3 x को भी क्या रख दो तीन बार रख दो x × x × x। -4x² है तो माइनस को बाहर रख दो, 4 को हो जाएगा देखो 2 × 2 रख देंगे। मैंने 16 का अभाज्य गुणनखंड निरपेक्ष कार्य में ज्ञात किया है, 4 का भी ज्ञात किया है और आगे रख दो एक्स दो बार है तो x × x। 32 का क्या हो जाएगा, 32 का देखो 2 × 2 × 2 × 2 पांच बार लिख देंगे ठीक है और आगे x × x। अब यहाँ लिख देंगे 16x³ -4x² 32x का सार्वे गुणनखंड बराबर क्या होगा देखो जांच करते हैं। देखो दो देखते हैं, देखो दो इसमें कितनी बार है 4 बार, इसमें 2 बार, इसमें भी 5 बार। अब मिलता हुआ दो कितनी बार हुआ देखो 2 बार हुआ, तो यहां रख दो 2 × 2। एक्स देखो इसमें इसमें एक्स 3 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें एक्स 1 बार है, तीनों में कॉमन यहां मिलता कितनी बार है 1 बार हुआ, तो यहां रख दो आगे एक्स, ये उत्तर आ जाएगा 4x आ जाएगा, क्या जाएगा 4x। इस प्रकार क्या कर दिया हमने सारे गुणनखंड ज्ञात कर दिए, जो तीनों में कॉमन आया -3 देखो इसमें 1 में है और बाकी 2 में नहीं है, यहाँ माइनस होता या माइनस तो यहाँ माइनस लिख देते, लेकिन माइनस क्या है देखो 1 में है तो यहाँ माइनस से नहीं लिखेंगे हम। आगे है इसका 7वां पॉइंट, एक नंबर का 7वां, क्या लिखा गया देखो 10PQ लिखा गया है, 20QR ठीक है, अगला लिखा है 30PR, ये लिखा गया है। अब क्या करेंगे देखो 10 PQ के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 10 का आ जाएगा देखो 2 × 5 आ जाएगा, आगे गुणम P लिख दो गुणम Q लिख दो, 20QR है तो 20QR क्या आ जाएगा देखो 20 में 2 का भाग देंगे 10 बार और 2 का भाग 5 बार जाएगा और 5 का भाग 1 बार जाएगा और QR है तो Q × R। देखो 10 के हमें अभाज्य गुण इस प्रकार निकालने हैं, 10 में 2 का भाग 5 बार जाएगा, 5 का भाग 1 बार जाएगा। 20 आगे से निकालेंगे देखो 20 में 2 का भाग जाएगा 10 बार, 2 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार, ये देखो 20 के लिख दिए। अब 30 का लिखा है तो यहाँ 30 का निकाल दो, 30 में देखो 2 का भाग जाएगा 15 बार, 3 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार, ये 30 का क्या हो जाएगा 30PR का मान हो जाएगा 2 × 3 × 5 × क्या लिख दो आगे P × R लिख दो। अब आगे लिख दो 10PQ 20QR 30PR के सार्वे गुणनखंड ठीक है, लिख देते देखो ये देखो तीन संख्या आपके सामने, तीन संख्या हम देखते हैं देखो दो देखो ये दो तीनों में आया है, दो को रख दिया, तीन देखो इसमें एक में बाकी में नहीं है, तीन को नहीं रखेंगे, दो देखो इसमें 2 बार है इस बाकी में एक एक बार है, एक एक बार रख दिया है, अब 2 बार आता तो यहाँ लिखते और नहीं लिखेंगे, 5 देखो तीनों में आया हुआ है तो 5 को रख देंगे, और देखो पी इसमें 1 में है, इसमें है, इसमें नहीं है ठीक है ना, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है पी, तो पी 2 में 1 में नहीं है तो पी को नहीं, क्यों तीनों में होना चाहिए तभी लिखेंगे, क्यों देखते हैं तो क्यों इसमें भी है दोनों में लेकिन आगे इसमें नहीं है, आर देखते हैं देखो इस 2 में ऊपर वाले नहीं है, यानी पी और क्यू आर तीनों में से कोई नहीं लिखेंगे, केवल 2 × 5 लिखेंगे, तो मान क्या आ जाएगा देखो उत्तर आ जाएगा इसका 10, ये क्या देखो इस तीनों का सार्वे गुणनखंड है। आगे सवाल करते हैं 7वां 8वां प्रश्न करते हैं, 7वां हो गया है, आठवां लिखा है
तीन एक्स स्क्वायर वाई की घात तीन, पहले का तीन एक्स स्क्वायर वाई की घात तीन, दस एक्स की घात तीन वाई की घात दो, और आगे लिखा है छह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, छह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड, ठीक है, ये लिखा है। सबसे पहले तीन एक्स स्क्वायर वाई की घात तीन लिखा है, दस एक्स की घात तीन वाई की घात दो लिखा है, आगे छह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड लिखा है। तो फिर लिखेंगे देखो तीन एक्स स्क्वायर वाई की घात तीनों कैसे लिख देंगे, देखो तीन एक बार रख दिया, एक्स दो बार रख दिया, वाई को तीन बार रख दो, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे देखो आगे, दस एक्स की घात तीन वाई की घात दो, दस को रख देंगे दो इंटू पांच, ठीक है, एक्स को देखो तीन बार रख देंगे और वाई को रख देंगे दो बार। आगे देखो छह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड आया हुआ है, छह को रख देंगे दो इंटू तीन, एक्स को रख दें दो बार, वाई को भी रख दें दो बार, जेड को रख दें एक बार। अगर दो थ्री एक्स स्क्वायर वाई की घात तीन, दस एक्स की घात तीन वाई की घात दो, छह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड के सार्वभौमिक गुणनखंड, सार्वभौमिक गुणनखंड बराबर। देखते हैं, चेक करते हैं, तीन देखो इसमें एक में, बाकी में इसमें भी है लेकिन बीच वाले में नहीं है, जिनको नहीं लिखेंगे। बाकी देखो दो इन दोनों में है, एक में नहीं है, नहीं लिखेंगे। पांच देखो इसे एक में है, बाकी दो में नहीं है, नहीं लिखेंगे। एक्स देखो यहाँ दो बार, यहाँ भी दो बार है, यहाँ पर भी दो बार है, यहाँ तीन बार है, लेकिन हमने लिखना दो बार है क्योंकि तीनों में कॉमन कितना बार है, दो बार है, रख दिया। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे देखो आगे, वाई देखते हैं। वाई देखो इसमें भी दो बार है, इसमें वाई तीन बार है, लेकिन कॉमन क्या देखो दो दो बार है, दो बार दो वाई इंटू वाई। अब देखो जेड देखते हैं, जेड इसमें एक में बाकी दो में जेड नहीं है, तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, यही क्या देखो इसका आंसर है। इस प्रकार हमने पहले प्रश्न के सारे आठ प्रश्न पूरे किए हैं। अब आगे कर रहे हैं हम सवाल नंबर दो, निम्न व्यंजु के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहले सारे गुणनखंड करना था, अब आगे इसके गुणनखंड कीजिए, एकदम सरल है। क्या लिखा गया देखो, यह है सवाल आगे दूसरे का, पहला सात एक्स माइनस बयालीस लिखा है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल सरल है। इन दोनों में संख्या ढूंढो जिसका दोनों में भाग जा रहा है, सात में ही जा रहा है सात का, और बयालीस में दोनों में सात का भाग जा रहा है, उस सात को बाहर रख दो, क्या रख देंगे सात को बाहर रख देंगे। अब यहां सात में सात का भाग दे दिया, यहां बचा है एक, बचा है तो एक को एक से गुणा किया, एक्स आ गया, और बयालीस के सात का भाग कितनी बार जाएगा, छह बार, ये गुणनखंड आ गया सात कोष्टक एक्स माइनस छह। वापिस गुणा करेंगे ना, सात को एक से गुणा किया सात एक्स आ रहा है, सात को छह से गुणा किया गया है बयालीस आएगा। देखते हैं देखो, सात प्लस एक्स जोड़ेंगे, सात को गुणा करेंगे एक्स से और सात घटाएंगे, देखो सात में एक्स जुड़ेगा नहीं है, इसका उत्तर यही होगा सात, सात प्लस एक्स का सात एक्स नहीं होता है, सात प्लस एक्स का क्या होता है, सात प्लस एक्स ही होता है, लेकिन सात गुणा एक्स है तो इसका मान क्या हो सकता है, देखो सात एक्स होता है, सात माइनस एक्स का सात में से एक्स घटेगा नहीं, तो सात माइनस एक्स का सात माइनस एक्स ही रहेगा, ध्यान रखना। देखो ये बातें ध्यान रखनी है, विशेष तौर से इन दोनों को ध्यान रखना है, सात प्लस एक्स का मान सात एक्स नहीं होगा, सात प्लस एक्स का सात प्लस एक्स लिखेंगे, सात गुणा एक्स है तो मान क्या होगा उसका, सात एक्स होगा। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं, देखो ये सात इंटू एक्स सात एक्स हो गया, सात को छह से गुणा किया बयालीस। दूसरा लिखा गया छह पी माइनस बारह क्यू, छह पी माइनस बारह क्यू, अभी दोनों में देखो छह का भाग जा रहा है, अब छह का भाग जाएगा इसमें एक बार, ए को पी से गुणा किया, पी ए को चाहे संख्या किसी से गुणा करो वो संख्या छह आ जाएगी, पी को कोई चाहे क्यू क्यू से करो, चाहे एक्स एक्स से करो, एक्स से करो, वाई से करो, सभी संख्या एक से गुणा कर लें तो वो संख्या वैसी की वैसी आ जाती है। और बारह में दो, बारह में छह का भाग देखो दो बार, तो यहाँ आ गया दो क्यू आ गया। वापिस गुणा करते हैं, देखो छह को गुणा किया पी से, वही बात है देखो छह गुणा किया छह पी आ गया, अब छह को दो क्यू से गुणा करेंगे छह दो बार हो गया और आगे क्यू तो आ जाए बारह क्यू, सही आ रहा है। आगे तीन नंबर देखते हैं, देखो तीन नंबर में लिखा गया है सात ए स्क्वायर प्लस चौदह ए, सात ए स्क्वायर प्लस चौदह ए, इन दोनों में किस, अब देखो दोनों में सात का भाग जाहिर है और दोनों में देखो ए भी इसमें एक बार इसमें दो बार है, यानी दोनों में ए एक बार तो है दोनों में, तो क्या रख दो ए को बाहर रख दो, शेष क्या बचेगा देखो सात को बाहर रख दिया है, यहाँ ए दो बार था, एक ए को बाहर रख दिया तो क्या बचेगा, केवल एक एक बार ए और बचेगा, यहाँ चौदह में सात को भाग दे दिया दो बार आ गया ए बार आ गया, उत्तर आ गया सात ए कोष्टक ए प्लस दो।
इन दोनों में सात का भाग जा रहा है तो सात को बाहर रख दिया। दोनों में देखो ए एक बार है, ए दो बार है, कॉमन में यानी मिलता दो एक, दोनों में मिलता एक एक बार है, ए को भी बाहर रख दिया। अब यहाँ क्या बचेगा, देखो सात बार लिख दिया है और यहाँ ए दो बार था, एक ए को बाहर रख दिया, यहाँ एक बचेगा केवल अभी, प्लस चौदह में सात का भाग ऐसा दो बार जा रहा है और आगे ए एक बार था उसको बाहर रख दिया, उत्तर आ गया सात ए कोष्टक ए प्लस दो। आगे इसका है चार नंबर, चार नंबर तो यहाँ कर लेते हैं। चार में दिया गया है माइनस सोलह जेड, माइनस का सोलह जेड प्लस दिया गया बीस जेड की घात तीन, बीस जेड की घात तीन। सोलह और बीस में दोनों में चार का भाग जा रहा है, चार में दोनों में चार का भाग, भाग दोनों में जाना चाहिए, तो चार को बाहर रख लो। जेड इसमें एक बार, इसमें जेड तीन बार है, एक बार जेड तो दोनों में कॉमन है, दोनों मिलता है एक बार जेड, तो जेड को बाहर रख दो। अब यह माइनस की जगह हो जाएगा, सोलह में चार का भाग चला जाएगा चार बार, अब जेड एक बार था उस जेड को बाहर रख दिया है तो कुछ नहीं बचेगा केवल चार बचेगा। यहाँ आगे प्लस रख दो, बीस में चार का भाग कितनी बार जाएगा, पांच बार जाएगा। जेड यहाँ कितनी बार था, देखो तीन बार था, एक बार मैंने बाहर रख दिया है, अब जेड यहाँ दो बार बचेगा तो यहाँ लिख दो आगे जेड की घात दो। यही देखो क्या इसका आंसर, देखो उत्तर आ जाएगा चार जेड और आगे माइनस का चार और प्लस पांच जेड की घात दो, चार हो गया। आगे करते हैं सवाल नंबर पांच, बीस एल की घात दो एम, बीस एल की घात दो एम प्लस तीस ए एल एम, तीस ए एल एम संख्या ढूंढनी आपको, दोनों भाग जाना चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढ लो आप। वैसे देखो यहाँ देखते हैं दोनों में देखो दो का भाग भी जा रहा है, ठीक है, लेकिन दो से बड़ी संख्या चार है तो चार को बाहर रख लो आप। अगर दो कॉमन लोगे ना, दो को बाहर रखोगे ना, तो यहाँ संख्या संख्या बचेगी आठ बचेगी, यहाँ दस बचेगी, और भी दो का भाग जा रहा है तो उसको दो बार लेना होगा आपको, इसलिए क्या कर दो एक बार में काम पूरा कर दो। यहाँ देखो दोनों में दो का भाग जा रहा है, पांच का भी जा रहा है, बड़ी संख्या देखो दस का भाग दोनों में जा रहा है, दस को बाहर लिखो। एल यहाँ देखो दो बार है, यहाँ एल एक बार है, एल दोनों में एक बार तो है, दोनों में एक एक बार तो आया हुआ है, रख दो। एम दोनों में है, दोनों बार रख दो। अब शेष क्या बचेगा, देखो बीस में दस का भाग दो बार चला गया है, एम पूरा बाहर आ गया है, एल दो बार था, एक बार एल को बाहर रख दिया, अब केवल एल एक बार बचा है तो यहाँ एल लिख दो। प्लस तीस में दस का भाग देखो तीन बार जाएगा, ए ए का ए रख दो, एल को देखो बाहर रख दिया है, एम को बाहर रख दिया है, उत्तर आ जाएगा दो एल प्लस तीन है। यही क्या देखो इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार क्या करते हैं सारे गुणों इस ऐसे ही करते हैं। देखो आगे सवाल नंबर छः, पाँच एक्स स्क्वायर वाई, पाँच एक्स स्क्वायर वाई माइनस क्या लिखा आगे, माइनस पंद्रह एक्स वाई की घात दो, माइनस पंद्रह एक्स वाई की घात दो। दोनों में देखो पांच का भाग दोनों दोनों में जा रहा है तो पांच को आप बाहर रख लीजिए, ठीक है, बड़ी संख्या देखो दस का देखते हैं, दस का भाग देखो दोनों में नहीं जा रहा है, पंद्रह देखते हैं, पंद्रह का भाग इस एक में जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, तो बड़ी से बड़ी आप संख्या देखनी है आपको, बड़ी से बड़ी संख्या देखो जिसका भाग दोनों में चला जाए, तो यहाँ पर संख्या पांच ही है बड़ी से बड़ी। एक्स देखो यहाँ इसमें दो बार है, इसमें एक बार है, दोनों में कॉमन एक बार तो एक्स है, ठीक है। वाई देखो इसमें एक बार, इसमें दो बार है, एक बार वाई तो दोनों कॉमन है, वाई को बाहर रख दिया। सेंस क्या बचेगा, देखो पांच को बाहर रख दिया, वाई को बाहर आ गया, अब एक्स दो बार था, एक्स एक बार को बाहर रख दिया, क्या बचा केवल एक्स एक बार बचेगा। यहाँ पंद्रह में पांच का भाग लगा दो तीन बार, एक्स को हमने बाहर रख दिया है, वाई यहाँ पर दो बार था, एक वाई को बाहर रख दिया है, अब यहाँ केवल एक वाई बचेगा, उत्तर आ गया एक्स माइनस तीन वाई, सातवें का उत्तर हो गया ये। अब आगे आठवा, माइनस का चार ए स्क्वायर माइनस का चार ए स्क्वायर प्लस चार ए बी, ठीक है, उसके बाद में आगे माइनस चार सी है। अब यहां देखते हैं देखो तीनों संख्याओं में क्या कॉमन संख्या, क्या संख्या बाहर लिखी जाए, यहां देखते हैं देखो तीनों में सातवां हमने किया, सातवां बाद में करेंगे आगे, ये आठवां है, ठीक है, सातवां यहाँ लिख लेते हैं, देखो सातवां सात नंबर पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। तो सातवां क्या लिखा गया है, दस ए स्क्वायर माइनस पांच बी स्क्वायर, दस ए स्क्वायर, दस ए स्क्वायर माइनस पांच बी स्क्वायर, दस ए स्क्वायर माइनस पांच बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी से सी स्क्वायर, दोनों कर लेते हैं सात और आठ को, दोनों में देखते हैं दोनों तीनों में संख्याओं में, अब बार तीनों को देखते हैं, देखो तीनों में चार सम है तो चार को बाहर रख दिया। अब देखो तीनों में ए, देखो तीनों में है, ठीक
ठीक है, कॉमन है, एक बार है तो एक को बार बार रख दिया। अब शेष क्या बचेगा, देखो माइनस का बार रख दिया, चार को बार रख दिया है, ए यहाँ दो बार था, ए को बाहर रख दिया तो एक बार ही बचेगा, यहाँ रख दो ए, प्लस चार को बाहर रख दिया, ए को बाहर रख दिया तो केवल बी बचेगा, चार को बाहर रख दिया, ए को बाहर रख दिया तो सी को बचेगा, तो ये हो गया चार ए और आगे माइनस ए प्लस बी और माइनस सी। जो तीनों में आपको लग रहा है तीनों में कॉमन है, ठीक है, तीनों में संख्याओं में है वो, उसको बाहर रख दो। देखो तीनों में चार चार है, बाहर रख दिया। यहाँ देखो तीनों में ए दो बार है, ए एक बार है, एक बार तो कॉमन है ना दोनों में, तीनों में ए को बाहर रख देंगे। सेंस क्या बचेगा, माइनस बच गया, यहाँ चार को बाहर रख दिया है, ए दो बार था उसको ए को एक बार बाहर रख दिया, सेंस एक बार बचेगा, और बाद में देखो चार को बाहर रख दिया है, ए को बाहर रख दिया केवल बी बचेगा, माइनस सी, चार को बाहर रख दिया है, ए को बाहर रख दिया केवल सी बचेगा, तो माइनस ए प्लस बी माइनस सी। इन तीनों में देखते हैं, देखो इन तीनों में पांच का भाग तीनों में जा रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या पांच है उसका भाग तीनों में जा रहा है, और देखो कोई संख्या बाहर नहीं है क्योंकि इसमें ए एक दो बार है बाकी दो में है ही नहीं, बी इसमें एक बार है बाकी दो में है ही नहीं, सी इसमें दो बार है बाकी हमें नहीं, तीनों में होना तीन बार लेंगे उसको। अब यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ दस में पांच का भाग दो बार चला गया, दो है इसको, पांच को बाहर रख दिया है, यहाँ केवल बी स्क्वायर बचेगा, बीस में पांच का भाग चार बार बचेगा, उत्तर आ गया चार सी स्क्वायर, यही क्या देखो इसका आंसर है। ये सवाल हो गया सातवां और आठवां। अब आगे देखो दो प्रश्न बचे हैं, नौ और दस। तो नौ नंबर में क्या लिखा गया है, ए एक्स स्क्वायर वाई, नौ नंबर में एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है, उसके बाद में एक्स वाई स्क्वायर जेड है, एक्स वाई स्क्वायर जेड या वाई स्क्वायर है, और प्लस में आगे है एक्स वाई जेड की घात दो। अब इसमें लिखा गया है तीनों पदों को मिलाने पर, यानी तीनों पद को देखकर आप क्या लेना, बार कॉमन लेना, तीनों पद को देख करके, एक्स यहाँ एक बार है, एक्स एक बार है, एक्स दो बार है, यानी एक्स एक बार तो तीनों में है कॉमन है एक बार, वाई देखो इसमें एक बार है, इसमें दो बार है, इसमें एक बार है, एक बार तो कॉमन है, जेड यहाँ देखो एक बार है, यहाँ एक बार है, यहाँ दो बार है, एक बार तो कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा, देखो वाई कॉमन आ गया, जेड कॉमन बार लिख दिया, अब केवल एक्स दो बार था उसमें एक्स को एक बार तो मैंने बाहर रख दिया है, केवल यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ देखो एक्स को बाहर आ गया है, जेड बाहर हो गया, यहाँ वाई बचा, केवल जेड देखो एक्स को मैंने बाहर रख दिया, वाई को बाहर रख दिया, जेड यहाँ दो बार था, एक जेड को यहाँ बाहर रख दिया, एक बार बचेगा, यही क्या देखो इसका आंसर हो गया दस नंबर। ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड प्लस सी एक्स वाई और जेड, ठीक है, प्रश्न क्या लिखा है, देखो ए एक्स स्क्वायर वाई लिखा है, बाद में बी एक्स वाई स्क्वायर लिखा है, बाद में सी एक्स वाई जेड लिखा है, यहाँ कैसे करेंगे, देखो इनको तीनों में जो संख्या बार कॉमन है उसको बाहर लिख लेंगे, तीनों में देखो ए तो है नहीं, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो क्या है देखो एक्स यहाँ एक बार है, एक्स एक बार है, एक्स आएगा देखो बार, एक्स दो बार है, एक्स एक बार तो कॉमन है बाहर रख दिया, वाई देखो इसमें एक बार, इसमें दो बार, इसमें एक बार, वाई को बाहर रख दिया, सेंस क्या बचेगा, देखो सेंस ए बचाएगा, y को मैंने बाहर रख दिया है, अब यहाँ क्या बचेगा, केवल x दो बार था ना, एक x को बाहर रख दिया, केवल एक बार x बचेगा, तो यहाँ रख दो x, b आ जाएगा, x को बाहर रख दिया, y दो बार था, एक y को मैंने बाहर रख दिया है, तो यहाँ एक y बचेगा केवल, आगे देखो c रख दिया, x को देखो बाहर लिख दिया, y को बाहर लिख दिया, तो z बचेगा, तो मान आ गया एक्स वाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। इस प्रकार हमने इसके कुल 10 प्रश्न पूरे कर लिया, देखो सवाल नंबर दो के आगे कर रहे हैं सवाल नंबर हम तीन, उसमें भी क्या है गुणनखंड कीजिए। क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तीन नंबर सवाल का पहला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, आगे आठ एक्स प्लस आठ वाई, यहाँ कुल कितने, देखो कुल चार पद आए हुए हैं, तो चार में जान रहा, दो में अलग कॉमन लेंगे, दो में अलग कॉमन लेंगे, ठीक है, कर रहे हैं, देखो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको यहाँ लिखेंगे, इनमें दोनों कॉमन है उसको भी लिखेंगे, अभी दोनों को देखो दोनों में कॉमन क्या है, केवल दोनों में जो मिलता है उसको बाहर रख दो, मिलता एक्स ही है, एक्स को बाहर रख दिया, अब यहाँ देखते हैं, देखो एक्स दो बार था, एक्स को बाहर रख दिया, केवल एक्स बार ही बचा है,
एक्स और यहाँ प्योर वाई बचा है। इन देखो दोनों में आठ है तो आठ को बाहर दो, यहाँ क्या बचाएगा एक्स प्लस वाई बचाएगा। अब ध्यान करना देखो चार संख्याओं में एक बात यहाँ आगे ध्यान करनी है आपको, यहाँ कोष्ठक में जो संख्या आई वो दोनों में संख्या बराबर होनी चाहिए, ये बात ध्यान करने की। देखो चिन्ह समेत बराबर, चिन्ह समेत बराबर नहीं है तो दोबारा जांच करनी है आपको, चिन्ह समेत बराबर एक्स प्लस का है वाई प्लस का है, एक्स प्लस का है वाई प्लस का है, एक बार यहाँ वाई माइनस का है तो वहाँ यहाँ वाई माइनस करना चाहिए, एक्स माइनस का है तो यहाँ पर भी एक्स माइनस करना चाहिए। तो अगर चार पद की है आगे ध्यान करने की बात है, चार पद में दो में अलग कोमल लेंगे, आकर दो में अलग कोमल लेंगे, दो कोमल है बाद में जो संख्या दोनों में कोष्ठक में आएगी वो संख्या दोनों में समान होनी चाहिए। अब देखते हैं देखो ये दोनों में संख्या समान है, इसको क्या रख दो, इसको आप एक बार रख दो, शेष क्या बची है यहाँ तो बची एक्स बची है और यहाँ बची है आठ, कोष्ठक में लिख दो, यही क्या देखो इसका आंसर है। यहाँ देखो एक्स दो बार है बिना, इसको एक बार रख दो, शेष क्या बची है उन कोष्ठक में लिख दो, शेष बची एक्स और यहाँ आठ, एक्स प्लस आठ हो गया। दूसरा करते हैं देखो, दूसरा लिखा है पंद्रह एक्स वाई, पंद्रह एक्स वाई लिखा है, अगे माइनस का लिखा है छह एक्स, माइनस का छह एक्स, आगे लिखा है प्लस का पांच, पांच वाई और आगे लिखा है माइनस का दो, ठीक है। अब देखो यहां पर भी चार पद है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो अरे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके पंद्रह और छह में, दोनों में तीन का भाग जा रहा है, ठीक है। एक्स यहां देखो एक बार है और यहां पर भी एक्स है, एक्स को बार कॉमन ले लीजिए, शेष क्या बचेगा देखो पंद्रह में तीन का भाग चला जाएगा पांच बार, एक्स को बाहर रख दिया वाई को वाई रख दिया तो पांच वाई हो गया, और एक्स को बाहर रख दिया यहाँ और छह में तीन का भाग कितनी बार जाएगा दो बार, पांच है वाई माइनस दो। अब यहां देखते हैं देखो यहाँ दोनों में कॉमन कोई संख्या नहीं आ रही है, दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा है तो कॉमन नहीं आ रहा, क्या ले लो आप एक बार लिख लो, एक लेकर के बाद कोष्ट में लिख दो पांच वाई माइनस दो। अब यहां देखते देखो संख्या चिन्ह समेत बराबर आ गई है, क्या कर दो इसको, इसको आप बार रख दो पांच वाई माइनस दो, शेष क्या बचाएगा तीन एक्स प्लस एक, यही क्या देखो इसका आंसर आ जाएगा। देखो पिछले वाले में किया वही काम का, यहाँ करना है देखो ये दो बार है, इसको एक बार रख दो, शेष बची है कोष्टक में लिख दो, शेष यहाँ तीन एक्स बची है यहाँ एक बची है तो आगे तीन एक्स प्लस एक को कोष्टक में, यही क्या देखो इसका आंसर है। अभी इसका है तीन नंबर ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स प्लस बी वाई, एक्स प्लस क्या लिखा है एक्स प्लस बी एक्स, माइनस का ए वाई और माइनस का बी वाई, ठीक है। अब देखते हैं देखो दोनों में कॉमन क्या था, देखो एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, इन दोनों में देखो एक्स है दोनों में, एक्स को बाहर रख दिया, यहाँ क्या बचेगा देखो ए बचाएगा और यहाँ बचाएगा बी, ठीक है, और यहाँ क्या देखो वाई है तो वाई को बाहर रख दिया। अब यहाँ एक बात देखते हैं देखो यहाँ दोनों के चिन्ह आ रहे हैं प्लस के, यहाँ दोनों के आ रहे हैं माइनस के, ठीक है, और मैंने बताया था कोष्ठक में संख्या चिन्ह समेत बराबर आने चाहिए, अगर यहाँ ऐसा लिखोगे ना तो यहाँ आगे आएगा माइनस का ए और माइनस का बी आ जाएगा, कोष्ठक में संख्या समान नहीं होगी, इसलिए क्या कर लो आप पहले से ही माइनस चिन्ह माइनस का वाई कॉमन ले लो, अभी दोनों के चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो ये प्लस का और ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो वाई कॉमन लिया यहाँ केवल एक ए ही बचेगा और वो एक किसका हो जाएगा माइनस चिन्ह कॉमन लेने से प्लस का ए बढ़ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा देखो केवल बी बचेगा और वो किसका हो जाएगा माइनस चिन्ह कॉमन लेने से ये भी प्लस का आ जाएगा। अब ये देखो संख्या समान आ गई है, ए प्लस बी को बाहर रख दो और शेष बचाएगी एक्स माइनस वाई, ये देखो दो बार इसको बाहर रख दिया है शेष यहाँ माइनस वाई, यही क्या देखो इसका आंसर है एक्स ए प्लस बी एक्स माइनस वाई। चार नंबर, चार में क्या लिखा है देखो आगे पंद्रह पी क्यू प्लस पंद्रह, पंद्रह पी क्यू प्लस पंद्रह, ठीक है, उसके बाद में आगे है नौ क्यू प्लस पच्चीस पी, नौ क्यू प्लस पच्चीस पी, ये संख्या लिखी गई है। तो यहां पर क्या लेते हैं देखो आगे कॉमन लेते हैं, देखो यहां एक बात देखते हैं देखो इन दोनों में कॉमन आने के बाद में यहां देखो इन दोनों को आप क्या करना होगा थोड़ा क्रम चेंज करना होगा, दोनों क्रम चेंज करते हैं देखो यहाँ पंद्रह पी क्यू लिख दो और आगे यहाँ लिख दो नौ क्यू, क्योंकि तभी दोनों में क्यू कॉमन आएगा, उसके बाद में आगे लिख दो पच्चीस पी लिख दो पहले, तो इसमें देखो पी पहले वाले पद में पी है और आगे लिख दो आगे पंद्रह यहाँ लिख दो, क्योंकि इसका क्रम चेंज करेंगे ना तभी क्या आएगा इनका आंसर आएगा। तो यहाँ क्या करोगे आप नौ क्यू को पहले लिख दो और पंद्रह को लिख दो बाद में लिख दो। अब देखो इन तीनों में दो दो देखते हैं या दो देखते हैं, इन दोनों में किसका भाग जा रहा है दोनों में तीन का भाग जा रहा है, क्यों पंद्रह और नौ में तीन का भाग जा रहा है, और क्यू देखो दोनों में है तो क्यू को रख दिया बाहर, तो
तो शेष क्या बचेगा, 15 में 3 का भाग 5 बार जाएगा, क्यू को मैंने बाहर रख दिया, केवल यहाँ पी बचेगा। और 9 में 3 का भाग 3 बार जाएगा, क्यू को मैंने बाहर रख दिया, तो बचेगा 5p+3। उसके बाद में यहाँ देखो दोनों में किसका भाग जा रहा है, 15 और 25 और 15 में 5 का भाग जा रहा है, यहाँ कितना बचेगा देखो, यहाँ बचेगा 5 और पी का पी रख दो और आगे यहाँ रख दो 3। अब मैंने बताया देखो संख्या कोष्ठक में चिन्ह समेत बराबर होने चाहिए, तभी आपको सही है या गलत है दोबारा चेक कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ हमने देखो चार प्रश्न किए हैं, देखो चारों में ही कोष्ठक में संख्या समान आ रही है, देखो यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, अगर समान नहीं आ रही है तो आप उस ऊपर वाले की लाइन की दोबारा एक बार और जांच करो। ठीक है, ये देखो दोनों में है, सो क्या रख दो आप, एक बार रख दो 5p+3, शेष क्या बजाएगा, शेष बजाएगा 3q+5, यही क्या देखो इसका आंसर आ गया। अब लास्ट बचा इसका सवाल नंबर है 6, 5 नंबर है। पांच में लिखा गया है z-7 + 7xy, ठीक है, और आगे लिखा है माइनस का xyz, ठीक है, ये लिखा है। क्या करेंगे देखो, इनमें से जो संख्या कॉमन आए उसको बाहर लिख लेंगे। देखो एक बार देखते हैं, देखो प्रश्न लिखा है z-7 लिखा गया है, आगे 7xy - का xyz दिया गया है, ये अपनी जगह रख दो, z-7 अपनी जगह रख दो। इसमें देखो सात बाद में है, इसमें सात क्या है बाद में, इसमें सात बाद में होना चाहिए, तो यहाँ क्या रख दो xyz पहले रख दो और बाद में 7xy को रख दो, बाद में 7xy को। अब जो संख्या कॉमन आ रही दोनों में कॉमन ले लो, देखो इन दोनों में कॉमन क्या संख्या आ रही है, इन दोनों में कॉमन, इसमें कॉमन कुछ संख्या नहीं आ रही है, यानी कॉमन लिख दो एक, एक में संख्या को वैसा है जैसा लिख दो, लिख दिया। उसके बाद में देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, एक्स दोनों में है, वाई दोनों में है, एक्स वाई बार रख दिया। अब यहाँ एक देखते हैं, देखो यहाँ चिन्ह माइनस का, तो यहाँ पहले माइनस का आएगा बाद में प्लस का आएगा, लेकिन यहाँ उल्टा है, देखो चिन्ह पहले प्लस का है बाद में माइनस का, चिन्ह उल्टा आ रहा है, यानी यहाँ पहले प्लस का है और यहाँ पहले माइनस का है, लेकिन होना क्या चाहिए, पहले प्लस का बाद में माइनस का होना चाहिए, चिन्ह उल्टे आ रहे हैं दोनों के, तो क्या कर दो आप, यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो सभी के चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, देखो ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ एक्स वाई बाहर रख दिया, यहाँ केवल बचेगा जेड, जेड बच गया। देखो माइनस चिन्ह कॉमन ले तो ये प्लस का हो गया, देखो ठीक है, अब ये प्लस का तो माइनस चिन्ह कॉमन लेने से ये माइनस का बन जाएगा, एक्स वाई को देखो बाहर रख दिया, केवल क्या बचेगा यहाँ पर 7। अब यहाँ संख्या समान आ गई है दोनों में, क्या रख दो इसको बाहर रख दो, z-7 को बाहर रख दिया है, यहाँ केवल बचेगा 1 - xy, ये क्या देखो इसका आंसर। इस प्रकार हमारी प्रश्नमाला 12.1 की प्रश्नमाला, जितने प्रश्न थे हमने सारे कर लिए हैं। ठीक है, आगे के वीडियो में हम करेंगे आगे 14.2। यदि वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।